नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, जैसे कि आप लोगों को याद है, इनोवा क्रिस्टा के साथ हमने रेस करी थी, हमारी गाड़ी हो गई थी खराब, याद होगी, खराब हुई थी। तो आज वापस आ गए हम रेस पूरी करने, इनोवा क्रिस्टा का पावर मोड पूरा करने। चेक करेंगे भाई इनोवा क्रिस्टा के पावर मोड में कितनी पावर है, क्योंकि हमारी हमेशा पावर मोड में रहती है तो भाई फिर चेक करेंगे इनोवा क्रिस्टा के पावर, आपको पता है, अपनी एक्सयूवी के पावर आपको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। तो भाई इनोवा क्रिस्टा आज लगाएंगे हम सिर्फ पावर मोड में, 2-3-4 इसके राउंड कर लेंगे और चेक करेंगे कि इनोवा क्रिस्टा जीतने आई है, हारने आई है, हमारी एक्सयूवी में जान है या जान तोड़ दी इस गाड़ी ने। तो चलो पहला राउंड करेंगे। तो आ गए हम अपनी एक्सयूवी में, इनोवा क्रिस्टा लग गई है पावर मोड में एज यूजुअल, ESP ऑफ। और ये भाई रुक जा, ये भाई करेगा अपने 3-2-1 करेंगे। ये दोनों गाड़ियों में AC है ऑन। XUV आ गई, घर जा, ये मेरी जान, वाह। इनोवा क्रिस्टा भाई इनिशियल में पावर मोड में खींच के निकल गई, नो डाउट, पर फिनिश लाइन आते आते 100 के बाद XUV ने कवर कर लिया बहुत अच्छे से, लाजवाब। कमी पेशी कुछ ऑल ओके, लॉन्च ओके, लॉन्च ठीक था, वही है XUV का तीसरा गियर है, तीसरे पे निकलता है, क्योंकि मेरे ख्याल में 100 के बाद पकड़ती है XUV। 100 के बाद तीसरे तक चल रही थी बिल्कुल, हाँ, नाक टू नाक, हाँ, फिर गई, फिर 100 के बाद। चल वहीं से करेंगे अगला। पहला राउंड करा भाई, XUV जीती। XUV कैसे जीती, 100 के बाद निकल गई XUV। देखो इनोवा क्रिस्टा पावर मोड था, लॉन्च में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उस भाई के पास खुद इनोवा है, वो 6-7 साल से इनोवा ही चला रहे, तो ये मत कहना कि उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, क्योंकि कमेंट ऐसे ही आते, भाई आपने इसको गाड़ी दे दी, उसको गाड़ी नहीं चलानी आती, मेरे साथ रेस लगा लो। तो भाई उस भाई के पास XUV, जब से मेरे पास XUV उस भाई के पास इनोवा है। पहला राउंड XUV जीती, XUV निकली है 100 के बाद, देखो जेन्युइन है। फिर से राउंड करेंगे, लॉन्च का ये था यार, लॉन्च 1 सेकंड का गैप था, क्रिस्टा ने पहले ले लिया था, पर लॉन्च अच्छा हुआ था बदला ले लिया भाई प्लानिंग कर रहे हैं मेरे को हराने की, जोरदार प्लानिंग चल रही है इनकी। XUV यार भाई, ये तीसरा गियर कमाल करते हैं अपनी XUV का, पहला गियर बहुत शॉर्ट है और पहले गियर पे पावर मोड में इनोवा चली जाती है। दूसरा राउंड करेंगे, टक्कर 3-2-1। गियर मिसमैच हुआ भाई से पक्का, गियर मिसमैच हो गया बेटे, हार रहा था जब गियर मिसमैच हो गया भाई। अब बात ऐसी है, चलाने वाले के ऊपर होता है, इनोवा क्रिस्टा ऐसी बात नहीं कि उस भाई को चलानी नहीं आ रही, उसने इनोवा ही रखी है अपनी शुरू से, ये बात है। XUV मैं थोड़ी ज्यादा अच्छे से चला लेता हूँ, और उसे चल नहीं पाती होगी, XUV को हल्के में मत लो मित्रों, अभी बता रहा हूँ, पछताओगे सब। हाँ भाई,
क्या हुआ? गेयर मिसमैच हो गया ना भाई, इनिशियल में भी नहीं छोड़ा, देख ले लॉन्च मार जोरदार मार रही है गाड़ी, घना जोरदार मार दी। चल भाई चल, 1% क्रिस्टा को जिता भी दूं मैं, गैप नहीं है भाई। सेकंड राउंड में भाई का गेयर मिसमैच हो गया था, लॉन्च तगड़ा था, मैं आपको यहां से लॉन्च दिखा दूंगा। थर्ड राउंड करेंगे, सेकंड ही मान लो, पर गिनती का थर्ड है। चल चल, पर अब की बार भी शायद भाई से गेयर रह गया था। मेरे को डाउट था कि क्रिस्टा से मैं बहुत बुरी तरीके से हारूंगा, क्योंकि कुछ भाइयों ने जिनके पास क्रिस्टा है, यज्ञ भाई अपने, उन्होंने कहा पावर मोड पे नॉट पॉसिबल कि एक्सयूवी जीत जाए। भाई चलो मान लिया, नॉट पॉसिबल नहीं जीती, गैप तो दिखा दो भैया, गैप तो दिखा दो। एक बार भाई से पूछ लेते क्या कमी थी, गेयर नहीं लगा होगा, बता रहा हूँ। क्या हुआ, गेयर कौन सा नहीं लगा अगली बार? अरे तीसरा, दूसरे तक चल जाती है, अरे हाथ लगाती है। छोड़ ही मत इसको, गेयर पकड़े बस, इसको छोड़। वो झटका नहीं देती होगी ना, देख पहले ही काफी शुरू हो जाएगी। इसको छोड़ियो मत, गेयर को पकड़े रखे, गदागद गदागद चलने दे। तो मतलब तेरा तीसरा नहीं लगा, वही बात होगी, और तीसरे में यही निकल। हाँ, इस बार पर पहले वाले में वही है, तेरा गेयर ठीक लगा था यार, गेयर ही नहीं लग रहे। आ गई है एक्सयूवी बदला लेने बेटो ट्रैक पे, ट्रैक सुनो ऑफ है भाई, एक्सयूवी खतरनाक व्हील स्पिन मार रही है। देखो यार, पहला राउंड था परफेक्ट था वो, ठीक है, उसमें एक्सयूवी टक्कर थी मानूंगा, पर एक्सयूवी लास्ट में निकल गई थी यार। मैं आपको भाई अब की बार अपनी गेयर शिफ्टिंग भी दिखाऊंगा, थोड़ा कैमरा पास करके नजदीक करके। अगला राउंड भाई, अभी भी वहम हो तो यार आ जाओ, क्रिस्टा है जिस भाई के पास, 2.4 वाली, 2.8 मैनुअल से तो हार जाऊंगा मैं, मैंने पहले हाथ खड़े कर रखे। 2.8 फॉर्चुनर का इंजन है, और फॉर्चुनर मैनुअल में पागल चीज है। आपका ओपिनियन ले लूं, अब की बार ठीक लगे थे भाई गेयर यार, नहीं लग पा रहे? चल चेक करते हैं, ये परेशानी है। चार कर लिए, चार राउंड कर लिए, एक्सयूवी अभी तक जीत रही है। एक राउंड अपना ड्राइवर बदल के देखते हैं, एक दो राउंड कहाँ अटक रही है देखूं मैं अभी क्रिस्टा। कम नाम दो एक
भाई बहुत अटकते हैं क्रिस्टा के घर, बहुत अटक रहे हैं। भाई मेरे से गेयर भी लग गए बढ़िया, और एक्सयूवी निकल गई। नहीं है जान, भाई देखो गेयर अटकते हैं क्रिस्टा के, लेकिन गेयर मेरे गलत नहीं लगे, मिसमैच नहीं हुए, टाइम पे लगे, जेनुअन लगे हैं। शुरू शुरू के पहले दूसरे गेयर में, बाद में निकल जाती है एक्सयूवी पागलों की तरह। एक तो कूदती बहुत है इनोवा, बॉडी रोल दुनिया भर का। रोकते हैं एक बार, भाई का ओपिनियन लूंगा क्या कहने। एंड ब्रेक कौन था क्रिस्टा का? एक सी बढ़िया लग रही है ना, गेयर ठीक लग रही है इसमें, हाथ इसमें ठीक बैठ रहा है ना तेरा। भाई एंड ब्रेक नीचे था क्रिस्टा का, क्रिस्टा का हैंड ब्रेक ऊपर था, पर भाई फिर भी रह जाएगी क्रिस्टा। पूरा हैंड ब्रेक ऊपर नहीं था, थोड़ा सा एंगेज था, ज्यादा होता तो गाड़ी चलती नहीं, दाब नहीं मानी गाड़ी ने, एकदम हल्का सा एंगेज था हैंड ब्रेक। जीत गई वो, जीत गई वो, जीत गई, पर इसका हैंड ब्रेक इतना सा ऊपर था। अब की बार भाई हैंड ब्रेक टेक दिया नीचे, पूरा टेक दिया नीचे, निकूगा उसमें। हाँ ठीक बैठ रहे, हाँ ठीक बैठ रहे, गेयर बढ़िया लग रहे, घमाघम, ऑल ओके, लॉन्च ठीक हो रहा है, चल ठीक है, मेरे इसमें ठीक लग रहे गेयर, गेयर की तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई आज अपना देखो फाइनल राउंड करने का मन नहीं लग रहा, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि देखो हैंड ब्रेक मैंने की बार टेक दिया जमीन पे, अगला राउंड भाई इनिशियल तो क्रिस्टा ले जाती है बढ़िया, गेयर नहीं लगे उसके, क्या बात हुई, गेयर नहीं लगे, अबे गेयर लगा ले मित्र। गेयर नहीं लगे उसके, पावर मोड है, पर एक्सयूवी जितनी जान नहीं लगी मेरे को इसके पावर मोड पे, क्यों झूठ बोलूं मैं, एक्सयूवी मेरी बुढ़ी हो रखी बहुत ज्यादा यार, लग रहा है सारे राउंड वापस करने पड़ेंगे। क्रिस्टा का एसी भी ऑफ कर रखा है, ऑन करना पड़ेगा। गियर नहीं लगा, वो डट गया था, समझ में नहीं आ रहा, फिर करेंगे भाई। पहले में देती है इसका भाई पावर मोड, पहला दूसरा गियर जान का है, बाद में नहीं है। तीसरा भी ठीक है, पर चौथे पांचवे पे आने के बाद सेम। एक्सयूवी का पहले दूसरे कुछ नहीं है, तीसरे में पागल हो जाती है, भाग रही थी भाई। रुकेंगे नहीं आज, राउंड कर थकेंगे भाई। पहला राउंड है ये, मतलब जिसमें क्रिस्टा जीतती है। तो ये क्या है यार, टोयोटा तो ठीक है तुम्हारा, ओके गुड क्वालिटी। भाई दो आखिरी राउंड करते निखिल, ठीक है, इस पे रेल बांध रखी, कसम से समझ नहीं आ रहा क्या करे, कोई सी मान जाओ, मान जाओ कोई सी, पिछली बार का बुरा मान बैठी है भाई। दो राउंड करेंगे इसमें, तेरे को अपनी सारी ड्राइवरी दिखा देनी है इसमें, ठीक है, हैंड ब्रेक नीचे भाई, जमीन पे टेक दूंगा हैंड ब्रेक को। देखो यार दोनों गाड़ियों ने रेल बांध रखी है, नो हेट इनोवा अगले भाई, कसम से बहुत प्यारी गाड़ी है, एक्सयूवी के बाद दूसरी गाड़ी जो मेरे को ये पसंद आई है, पर क्रिस्टा पुरानी इनोवा नहीं थी, दे लेंगे भी। जोर दे रखा है, व्हाट इज दिस एक्सयूवी, क्या कर रही है तू।
ये क्या हुआ? पेरिस में क्रिस्टा जीती है। मेरे रेस समझ नहीं आ रही। पूछता हूँ भाई से कोई कमी पेशी, अब की बार क्या हुआ? अरे बिल्कुल भागे, बिल्कुल जितना पंजा धर सकते हैं। ऑल ओके था? ऑल ओके था बिल्कुल, और चार भी मारे हैं गेरिस को। ये भाई कुछ नहीं है, ये दोनों आपस में बात करी बैठी है। दो चार लोगों को गर्मी में भगाना है, पसीने कटवाने हैं उनके। एक आखिरी करते हैं, अपनी अपनी गाड़ी पकड़ के, ठीक है, यहीं से घुमा दे। यार क्रिस्टा के थोड़े वो होते ना, च्युइंगम चिपक रहा हो गेयर बॉक्स में, वैसा सिस्टम है इसका, अटक नहीं रहे, पर जोर ज्यादा मांगते हैं इसके। यार ये देख लियो ना, ड्राइवर का फर्क तो सही कह रहे हैं। एक रेस मेरे को यज्ञ शर्मा के साथ करनी पड़ेगी, तब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। खरी एक्सीवी को जिताऊंगा मैं, भाड़ में जाओ सारे, मैं एक्सीवी को जिताऊंगा। क्या हो रहा है? टाई बोलूं क्या? टाई बोलती पब्लिक। भाई भाई क्या था ये? ओल ओके, बिल्कुल सही गेट लगे, इससे बढ़िया गेट होगा, मतलब एकदम टकाटक था तेरी बिल्कुल टकाटक ड्राइविंग थी, बिल्कुल सही गई है। हाँ। इतना फर्क आ रहा है, मैं पिछले टायर पे हूँ तेरे, मेरा अगला टायर तेरे पिछले टायर पे है, ये फर्क है। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई? है तीसरे उसका बहुत एक्सीवी का तीसरा है भाई, पहले दूसरे में लगता है ये भागेगी, फिर तीसरे में बताती है मैं ही भागूंगी। तो इन शॉर्ट विनर किसको बताना चाहेगा भाई? विनर उसको बताएंगे, पर एक चीज, उसको चलाते हो जो हार्ट बीट बढ़ती है ना, इसमें ये रहता है कि भाई चलो बच जाएंगे, नई गाड़ी है। हाँ। हाँ भाई पावर है उसके तीसरे में, बहुत पावर है। तो भाई रेस करी हमने क्रिस्टा की, एक्सयूवी 500 की, बड़ी कंफ्यूजिंग रेस थी। देखो पहले हमने क्रिस्टा की रेस करी थी, पहले थी अपने क्रिस्टा इको मोड पे और एक्सीवी हो गई थी खराब, उसकी मैंने वीडियो डाली थी, सब जानते हैं क्या हालत थी उस चीज में। आज इस गाड़ी को मुश्किल से मैं बुला पाया हूँ और इसमें कर दिया हमने पावर मोड लगाया, सिर्फ पावर मोड में चली है। एक्सीवी भाई मान रहा है नहीं, कुजान है एक्सीवी, बिल्कुल तीसरे में एक्सीवी पहले निकल जाती है। हाँ हो जाती है आगे थोड़ी और, तीसरे में फिर वो ये हल्की है, पर हम इस गाड़ी को तोड़ते रहे इन कामों के लिए, बनी नहीं है ना इनके, नहीं फरारी वरारी लानी पड़ेगी। ये भाई फैमिली ड्रिवन कार है। हाँ। तो खाली मिल जाता तो ठीक है, हाईवे पे चलाने की है ये प्यार से। तो भाई ड्रैग रेस करी अपनी, इनोवा पावर मोड पे थी, एक्सयूवी भी रहती पावर मोड में, वो आज फिर कह रहा हूँ, छाती ठोक के कह रहा हूँ भाई, इनोवा वाले भाई ने एक्सयूवी को जिता दिया है अपने शब्दों से। तो भाई किसी को वहम रह रहा हो डीएम करो मेरे को, टेक्स्ट करो, ईमेल करो, जिसके पास इनोवा क्रिस्टा 2.4 मैनुअल हो या 2.8 ऑटोमेटिक को चैलेंज है मेरा, इनोवा क्रिस्टा 2.8 ऑटोमेटिक दिल्ली एनसीआर में, जो भाई देख रहा हो ले आओ। ऑटोमेटिक 2800 वाले में तो दम होगा, मैनुअल ऑटोमेटिक का पता है ना टोयोटा कितना चलेगा। भाई मैनुअल 2.4 और किसी भाई के पास हो ले आओ, वहम दूर करो, देखी जाएगी भाई, मैं हैवी ड्राइवर तो नहीं हूँ। तो यार यही कुछ थी ड्रैग रेस, रिजल्ट्स आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, पर हम दोनों तो एक्सीवी को ही कह रहे हैं, बाकी पब्लिक से भी वोट लेंगे। तो ये कुछ थी आज की ड्रैग रेस, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ऐसे ही मजे लाते रहेंगे, धन्यवाद।